अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिफ्रेंट किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन फजीता ब्रेड की रेसिपी, जिनके लिए आपको अज्जा दरकार होंगे तकरीबन 400 ग्राम के करीब चिकन, इस तरह लंबे लंबे रुख पे कटा हुआ स्ट्रिप्स में। इसके अलावा इसमें जाएगा एक बड़ा प्याज, एक बड़ी शिमला मिर्च, और इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए होगा हमें तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब गार्लिक की पेस्ट, और जो मसाले जाएंगे उनमें एक टेबल स्पून के करीब नमक, एक टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, एक टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पिसी हुई, और एक टेबल स्पून के करीब ही जीरा जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा दो टेबल स्पून के करीब विनेगर, या फिर आप इसमें लेमन जूस भी दो टेबल स्पून के करीब एड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपने सारे मसाले जो चारों आपको नोट करवाए थे। इसके बाद जाएगा इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब सिरका, दो टेबल स्पून के करीब सिरका, और जाएगा तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब गार्लिक पेस्ट। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। हमने थाई का चिकन लिया है, आप चेस्ट भी ले सकते हैं। थाई का चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत जल्दी गलता है। आप चाहे तो जो आपको पसंद हो वो वाला चिकन ले सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक के लिए अब हम चलते हैं अपने रैप की मेकिंग की तरफ। इसके लिए हमें दरकार होंगे तकरीबन 2 कप के करीब ये हमारे पास मैदा है। इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय की चम्मच सॉल्ट, और जितना भी हमें दूध, ये नीम गर्म दूध है बिल्कुल जस्ट वार्म, ये इसको इसके अंदर ऐड करके इसको हम नीड करेंगे। चले ऐड करते हैं हम अपना 1 टीस्पून के करीब नमक, 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, और अब हम इसको लाइट लाइट डालकर इसमें दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको नीड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लेंगे। ये देखें डो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारे हाथ पर स्टिक ना हो, तकरीबन ये आधा टेबल स्पून के करीब है। अब इसको दोबारा से हम तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीड करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, हमारी डो सॉफ्ट सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गीले टॉवल से किसी गीले कपड़े से ढक के रख देंगे और चलेंगे अपने फजीता की कुकिंग की तरफ। जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन फजीता की कुकिंग। इसके लिए हम पैन में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब हम अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। मीडियम हाई पर इसे फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। हमारा चिकन जैसे काफी पानी इसमें आ गया, निकल आया चिकन का काफी, इसी में ही ये इंशाल्लाह गल जाएगा। इसको मजीद अच्छा टेंडर करने के लिए हम इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे। देखिए
चुकी हुई बस हमें चिकन अच्छी तरह के अंदर भी हो चुका है देखिए और खाना इसके बन गया अच्छी तरह से गैस हो गया इसके अंदर और ये भून गया हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अपनी सब्जियां सौते कर लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे पहले हम अपने प्याज को ऐड करके हम थोड़ा सा सौते करेंगे 1 मिनट के लिए बस आप इसके अंदर रेड एंड येलो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं मेरे पास ग्रीन की ग्रीन ऐड कर दी तीनों शिमला मिर्च तीनों कलर की शिमला मिर्च मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छा भी अच्छा था उसका भी मैंने जब ग्रीन ही ऐड की है इसको 30 से 40 सेकेंड हम मिक्स करके ज़रा पका लेंगे थोड़ा सौते कर लेंगे तेल में आकर या मतलब चिकन ऐड करके उसको ठंडा कर लेंगे फिर चलेंगे हम अपने रैप की बेकिंग की तरफ अब हम हमारी सब्जियाँ अच्छी सौते हो चुकी हैं हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे तो ये हमने निकाल के रखा है देखिए अब हमारे चिकन और सब्जियाँ सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं अपने को इनको निकाल कर प्लेट में ठंडा कर लेंगे और चलते हैं अपनी रैपी को पूरी तरह अब हमने अपनी डो के 6 बॉल्स बना ली अब हम इनको बेल कर इनके रोटियां बनाएंगे यानी कि रैप्स थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे बेलना शुरू करेंगे इनको ये देखिए हमारा तकरीबन इस साइज का हम रैप बना लेंगे और सारे रैप्स इस तरह ही बना के इसी साइज के तो हम फिर इसमें फिलिंग करेंगे और इसकी सॉस भी बनाना सिखाएंगे जो इसके अंदर हमने ऐड करनी ये देखें अब हमारी 6 ये रैप्स तैयार हो चुके अब चलते हैं हम इनकी कुकिंग की तरफ ये देखें हमने मीडियम पर अपने पैन में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल से इसको करके अच्छी तरह से ब्रश तो अब हम इसमें अपनी ऐड करेंगे रैप अपना ऐड करेंगे देखिए इसके पहले बबल्स आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद तकरीबन 20 सेकंड के बाद इसको पलट देंगे इस तरह हम सारे बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे ये देखिए व्यूअर्स इस तरह ही करते करते हम अपने 6 के 6 रैप्स तैयार कर लेंगे और इसके बाद चलेंगे हम आपको इसकी सॉस
सॉस बनाने बताएंगे उसके अंदर रैप में ऐड करके तो हम सर्व करेंगे। सिक्सन भी बहुत अच्छा सा बन गया। अब हमें सॉस के लिए जो अज़ा दरकार होंगे उनमें तकरीबन हाफ कप के करीब आपको दूध चाहिए होगा, ये हाफ पैकेट या हाफ कप के करीब हमारे पास चेडर चीज है ग्रेट की हुई है हमने। इसके अलावा ये हमें एक टेबल स्पून के करीब मैदा चाहिए, एक टेबल स्पून के करीब ऑयल चाहिए, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं आप, मक्खन भी ले सकते हैं। ये 2 खाने के चम्मच क्रीम है हमारे पास। इसके अलावा हंसबे जायका नमक और काली मिर्च हम लोग सिर्फ आधी आधी टी स्पून ही डालेंगे। सबसे पहले पैन में हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम मैदा ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने, इसमें लम्स ना बने, इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे ये देखें। इस तरह हमने अच्छी तरह से इसको विस्कर लिया हुआ है ताकि इसके लम्स ना बने इसमें। अब इसमें हम सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे, और इसके अलावा जाएगी इसमें हमारी क्रीम 2 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज। इसको बस चेडर चीज ऐड करने के बाद 4-5 सेकंड ही पकाएंगे बस, और नीचे से फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। देखिए हमारी क्रीमी सी सॉस बन गई है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में चिकन फजीता तैयार है, सेकंड स्टेप में हमारी रैप्स तैयार है, और थर्ड स्टेप में हमारी सॉस तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम आपको चिकन फजीता रैप में डालकर सॉस के साथ उसको रैप करना बताएंगे। लीजिए व्यूवर्स, हमारी रैप्स बिल्कुल तैयार है और फजीता का चिकन भी तैयार है, रेडी है बिल्कुल, और हमारी सॉस भी तैयार है। अब हम चलते हैं इसको रोल बनाने की तरफ, इनका अच्छा सा रैप बनाने की तरफ। सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस फेस में इसके सारे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसको नीचे से टर्न करके ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी टुकड़े या स्ट्रीमर का पार्ट ले लें, उसको ऐड कर दें इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे अगर आपको काम लगे तो ऊपर से और ऐड कर लें इस तरह से और ऐड कर लें इसमें फिलिंग। तो ये इस तरह रैप तैयार हो जाए, इस तरह हम सारे रैप तैयार करते हैं। लीजिए नाजरीन, हमारे चिकन फजीता रैप्स बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।